हेलो फ्रेंड, इस तरह आपके पास स्टेबल इमरजेंसी लाइट हो और उसमें दोस्तों कुछ देर जलने के बाद ये बंद हो जाता है और इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपके पास फॉल्ट हो तो उसको आप किस प्रकार रिपेयरिंग करेंगे, तो आज की वीडियो में यही रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक बैटरी परचेज करके ला चुके हैं शॉप से। आप इस तरह परचेज करके ला सकते हैं और हम इसमें बैटरी भी चेंज करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको खोलते पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार हमने इसको खोल चुके हैं। खोलने के बाद दोस्तों हम पहले इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है उसमें देखना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे कि दो बैटरी डाला हुआ है, तो कौन सा बैटरी इसके अंदर जो है ख़राब हो चुका है, उस बैटरी को हम चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले दोस्तों आप दोनों बैटरी को चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें आपको एक ही बैटरी को चेंज करेंगे, जो कि ये बैटरी मेरा ख़राब हो चुका है। उसके जगह हम 4 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, जैसे कि ये दोनों सेम वोल्टेज का बैटरी है दोस्तों। तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम आपको आगे बताएंगे उसमें और क्या कुछ फॉल्ट है या नहीं है। तो चलिए पहले हम बैटरी को चेंज करते हैं। चेंज करने के वक्त दोस्तों वायर को आप उल्टा सीधा ना जोड़ें। कमेंट में आया था कि आपने जो हमने बैटरी लगाया तो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हमने कमेंट में बताया कि आप बैटरी को सही से लगाइए तो वर्क करने लगेगा। तो इस तरह आप उसको बैटरी को जोड़ने वक्त आप सावधान रहें कि कौन सी वायर कहाँ पे जोड़ा हुआ था। उसी प्रकार फिर उसी प्रकार उसमें जोड़ना है आपको, ताकि आपका लाइट सही से वर्क करने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस बैटरी को खोल चुके हैं। खोलने के बाद हम उस नए बैटरी को डालेंगे दोस्तों। तो डाल चुके हैं, अब इसके अंदर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। और आपको सोल्डिंग कुछ अच्छी तरह से करना है, ताकि वो सोल्डिंग छूटे ना बहुत, जैसे कि छूट जाता है जिसके कारण फिर लाइट बंद हो जाता है। तो इस तरह आप ध्यान रखते हुए उसको वायर को जोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ब्लैक वायर को जोड़ना, रेड वायर को जोड़ चुके हैं। जैसे कि आप इस प्रकार दोनों वायर को जोड़ दीजिएगा, तो जो उसमें पुराना बैटरी है दोस्तों, हम उस वायर को दोनों को काट के फिर से वहाँ पे अच्छी तरह से जोड़ देंगे, जैसे कि वो टूट चुका है हल्का। तो उस प्रकार उसको भी हम अच्छी तरह से उसको जोड़ देंगे, ताकि फिर इसके अंदर जो करंट अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको जल्दी छील लेते हैं दोनों वायर को, और छीलने के बाद हम दोनों वायर को सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, इस प्रकार हम इसको सोल्डिंग कर चुके हैं। सोल्डिंग करने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद आपको फिर चेक करके इसको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको बैटरी को बिठा चुके हैं। चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको डाल चुके हैं कवर को। अब इसके स्क्रू को हम पहले टाइट करेंगे दोस्तों। तो चलिए टाइट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको टाइट कर चुके हैं दोस्तों। अब चलिए आपको हम जला के दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अब जल रहा है। तो इस प्रकार आप रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।